एक महिला की सरकटी लाश जनपद बहराइच के थाना रुपई डीहा क्षेत्र के अड़गोड़ा गांव में मिली थी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था और पुलिस के लिए एक चुनौती, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच में जुट गई थी। बता दें कि मृतका का पति सऊदी से नौकरी करता, जिससे वो ज्यादा वहीं रहता था। मृतका अपने पति से खर्चा लिया करती थी और ज्यादातर अपने मायके में ही रहा करती थी, जिससे उसके पति ने अपने भाई के साथ योजना बनाकर अपनी ही पत्नी की हत्या जैसी घटना को अंजाम दे डाला, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या के ये कारण प्रकाश में लाए हैं। तो एक सिर कटी लाश थाना रुपईडीहा के अड़बड़वा गांव के पास खेत में मिली थी, जिसमें काफी पतारसी के बाद से मृतका की पहचान हसरीन उर्फ नसरीन पुत्री इसहाक निवासी इटकोरी के रूप में हुई। इसकी शादी रियाज अली पुत्र सादिक अली इटकोरी थाना रिसिया जनपद बहराइच के साथ हुई थी। पत्नी में विवाह के बाद से काफ़ी अनबन रहता था और पति किसी भी तरह से इससे छुटकारा चाह रहा था, लेकिन यह पति जो है लगातार इसको पैसे भेजता रहता था और इससे संपर्क में भी था। घटना वाले दिन इसने अपनी पत्नी को मोटिवेट किया कि वो ससुराल चली जाए। उसकी बातों में आकर पत्नी ससुराल के लिए अकेले रवाना हुई थी। साथ में इसका थोड़ी आगे चलने पर इसका देवर इसको ज्वाइन किया और उसके बाद से जो घटना में शामिल इसके ससुर और उसका ससुर का एक भांजा था नन्हे नाम का, वो भी इसमें शामिल हुए। इन लोगों ने घटनास्थल पर ले जाकर एक छुरी से इसका गला काटा और जो सिर था वहीं तालाब में फेंक दिया था। सारे लोगों ने पूछताछ में अपनी घटना किया जाना इकबाल किया है। मौके से जो अलाकत था वो बरामद किया गया है। साथ ही रियाज अली के पिता सादिक अली के खून से सने हुए कपड़े तथा मृतका के घटना के समय पहने हुए कुछ आभूषण भी इन लोगों से बरामद। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।